यहाँ का स्टे तो ओवर, आज निकल रहे हैं यहाँ से अभी, जस्ट फाइनल बिलिंग वगैरह रह गई है, बिल करने के लिए बोल दिया है बंदे को। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अभी प्लान है क्योंकि 10 बज गया है, थोड़ा लेट ही उठे, कल थक गए थे काफ़ी, पूरा दिन ऑफिस भी था। आज तो खैर यशु की भी छुट्टी है, मैंने भी ले ली है, आज तो ऑफिस नहीं है। लेकिन प्लान था पहले अगर थोड़ा जल्दी निकलते तो शिशु जाते, पर अब शिशु में भी आज नहीं जाएंगे, आज मनाली रुकेंगे। बाकी यहाँ से जस्ट निकल रहे हैं, ज़्यादा है नहीं कुछ, और फाइनल बिल्डिंग वगैरह करके एक बार लास्ट देख लीजिए। सुबह है, आज धूप निकल गई, अच्छा मौसम है, व्यू देख लीजिए, इन्जॉय फॉर द लास्ट टाइम, देन वी लीव फ्रॉम हियर। भुंतर पहुंच गए थे, अब मनाली वाले रोड पे हैं। सो ये हाईवे बना दिया है अब तो, पहले आते थे मनाली 4-5 साल पहले तो ऐसा रोड नहीं था, सिंगल लेन रोड था। खैर पहली बार नहीं आ रहा हूँ इस रोड पे, लेकिन जस्ट फॉर द चेंज हो रहा है, आई थिंक फिर धूप आएगी आगे। अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, आपको मॉल रोड देखनी है और आसपास की ही चीज़ें देखनी है, लाइक यहाँ पे 4-5 जगह। मनाली पहुंच गए हैं, रूम ले लिया है, तो दिस इज़ लॉर्ड्स रेसिडेंसी, और रूम दिखा देते हैं एक बार आपको। व्यू अच्छा था, व्यू देख के लिया है मैंने, मॉल रोड के पास रूम नहीं लिया है, रूम जो लिया है वो हमने लिया है मेनली थोड़ा इस रोहतांग वाले रूट के थोड़ा बाहर आ गए, क्योंकि व्यू अच्छा था इसलिए लिया है। आपको एक बार रूम और व्यू दिखा देता हूँ, तो दिस इज़ द रूम, रूम इज़ गुड। तो सर व्यू के पैसे हैं जो भी हमने लिया है, बालकनी अच्छी है। सो अब अभी हमारा प्लान है कि सोलांग जाते हैं, वहाँ कुछ जैसी एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर कुछ करने का मन किया तो करेंगे, सोलांग दिखा देंगे आपको। बाकी एज सच और तो अभी कुछ खास प्लान नहीं है, मे बी लंच करके फिर निकलेंगे करीब 1 घंटे में, तो उसका सोलांग जाके आपसे मिलता हूँ। डिवाइस सही बारिश हो रही है, सोलान जाने का प्लान था, पर देख ही रहे हो आप,
बारिश हो रही है कहीं कम कहीं ज़्यादा, अभी थोड़ी कम हुई है। तो हम सोलान से ऊपर आ गए हैं, ये ओल्ड ले हाईवे है जो रोहतांग जाता है, तो रोहतांग तो जाना नहीं है, हम लोग कल शिशु जाएंगे। तो अब वैसे भी ले जाने के लोग उसको यूज़ करते हैं, इसको नहीं यूज़ करते, पर व्यूज़ के लिए, जस्ट फॉर व्यूज़ ऊपर आ गया थोड़ा, यहाँ से व्यूज़ देखो क्योंकि मौसम में जो अभी बादल आ गए हैं ना नीचे, व्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि ऐसा मौसम ना हो, पर इस मौसम का अपना मज़ा है। हाँ, आप जैसे अभी हम लोग सोच रहे थे कुछ एक्टिविटी, कुछ कोई स्पोर्ट्स टाइप का सोलान में जाके करेंगे, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सब बंद हो गया है, पैक कर लिया लोगों ने, तो थोड़ा इसलिए ऊपर आ गए, पर व्यूज़ वर्थ इट है। और ये मौसम अब ख़राब नहीं लग रहा, अभी जाते हैं कहीं नीचे बैठ के किसी कैफ़े में कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, अभी उसकी लाइक मौसम है। तो सोलान आ गए हैं फाइनली, बारिश हो गई है बंद। दिस इज रोप वे होता है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर जा रहा है जो केबल कार टाइप का, तक एक बार जाते हैं ऊपर। सो दीज आर द टिकट्स फॉर रोप वे, ले लिए। तो दिस इज एंट्रेंस, आवाज़ काफ़ी, आई थिंक ये मोटर लगा हुआ है, इसकी आवाज़ है, पर दिस इज मतलब ऐसा नहीं है, आप 6 लोग एक में जा सकते हो, 6 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो ये लगातार आती रहती है, मेट्रो सेवा है, जैसे ही आए अपने टर्न चढ़ जाओ। दिस इज हाउ इट्स लुक्स इनसाइड, थोड़ा अंधेरा हो गया है, अभी ऊपर जाके दिखाते हैं कैसा लग रहा है। ये शो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, ऊपर जाके देखते हैं। पैराग्लाइडिंग करोगे यहाँ पे आके सोलान में, तो दिस इज मतलब पैराग्लाइडिंग का, आई थिंक इसका 700 rupees कॉस्ट है पर हेड, और पैराग्लाइडिंग का 3200 पर हेड है। 6 मिनट और 7 मिनट बोल रहा था, 7 मिनट फ्लाइट टाइम है, तो अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तो नहीं हो रही, अभी तो मैंने मना, अभी तो बंद हो गई है, मौसम खराब है। हाइट काफी अचीव कर ली है, वो देखिए वो रहा नीचे जहाँ से हमने शुरू किया था। मौसम बस मानना पड़ेगा, ऐसा गजब हो गया है। अब आपकी ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको मैं, नाउ यू कैन सी कितना हाइट पे आ गए, 12 लाख आ चुके हैं हम, और अभी हम खरदुंगला की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी तेज। तो थोड़ा तो है कैफे वर्टिकल लिमिट, ये ले व्यू गाइस, व्यू थोड़ा ऊपर जाते हैं और बाहर निकल के दिखाता हूँ। सो गाइस वी आर एट 3200 meters, सो दिस will take you at 3200 meters, so लोग काफ़ी पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे आके, मौसम का मज़ा यहीं लिया जा रहा है। बाकी मेरे को लोग देख रहे हैं कि गोवा की वाइब्स में है बंदा, सब जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं, मेरी वाइब नहीं चेंज हो रही है, पर इतनी ठंड नहीं है जितनी ठंड तो दिख रही है। ठंड तो है नहीं वे, आपको लग नहीं रही है, ठंड तो है। ये देखो यार मनाली काफ़ी नीचे है यहाँ से दिख रहा है, पर व्यूज़ इस टाइम पे बहुत अच्छे हो गए हैं यहाँ, मतलब सच में थोड़ा पिकनिक वाला ही मौसम है। थोड़ा मौसम खुलने लगा है, एक बार वो दिखाइए शो, वहाँ धूप पड़ रही है हल्की सी, अब अभी दिख नहीं रहा था, वो बादल थे,
मैं बिफोर आफ्टर शॉट्स डाल दूंगा इतनी कोई तगड़ी चीज़ नहीं है लेकिन चौकस ठंड होगी पर अपनी गोवा वाली या कसौल वाली वाइब ऑन है अभी भी। गोवा क्यों कसौल गए थे हम? थैंक गॉड एक्सेप्ट तो किया कि ठंड हो गई है। कसौल वाली वाइब नहीं इतनी नहीं है कि कांपू लेकिन हाँ ठंड तो आना फिर भी वर्थ है यहाँ पे अगर आओ तो 700 रुपये इज नॉट वेस्ट एज सच। हाइट काफ़ी अच्छी है एक 3200 meters मतलब ठीक ठीक एक पास के बराबर ऑलमोस्ट हाइट दे रहा है। हाइट कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा पास फिर बताऊंगा। कोड़े आ गए हैं जी कोड़े घास खाने जंगली घोड़े हैं लात वात तो नहीं मारेगा पास। गाइस रीच्ड मॉल रोड मनाली का पब्लिक जहाँ पता नहीं क्यों भगवत की तरह आती है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तब में भी लाइटिंग थोड़ी और दिखेगी वैसे भी लाइटिंग कम नहीं है पहले कुछ नहीं होता था एक तरफ था अभी लेफ्ट साइड तो दुकानें ही नहीं थी अब तो शोरूम दुकानें ये सब हब है ये बहुत भीड़ है ऐसा लग रहा है कुंभ का मेला चल रहा है क्या मामला है। माता मंदिर है मेन मॉल रोड पे लेकिन इतना सिग्निफिकेंट तो नहीं सिग्निफिकेंस नहीं है तो पुराना नहीं है पर हाँ है मंदिर एक ये बखड्डा है मॉल रोड पे ही है तो पहले काफ़ी खाली होता था तो बखड्डे से रुको फिर पीछे अब आई थिंक जितने पीछे होटल्स थे ना ये पहले सारे होटल्स ही होते थे अब शॉप ज़्यादा खोल दिए हैं क्योंकि आगे होटल्स ज़्यादा बन गए हैं मे बी बैक साइड इतना मॉल रोड पे लोग आते नहीं हैं पर भीड़ तो भाई साहब माननी पड़ेगी तो सारी हरियाणा दिल्ली की पब्लिक है। तो दिस इज कैफे 1986 मॉल रोड पे ही है तो ट्राई करने आए हैं देखते हैं तो वो अभी गया है टेबल अरेंज करने अंदर तो अंदर दिखाते हैं सब लाइव म्यूजिक इज देयर बैक टू होटल दिस इज नॉट रेजेंसी तो वाइब एंड एम्बियंस इज गुड आई थिंक कल सुबह निकलेंगे शिशु बैक टू रूम